अनुपमा सीरियल में अंकुश ने अनुज को साफ कह दिया है कि वो अनुज के किसी भी चीज को वापस करने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज ने भी फैसला ले लिया है कि वो किसी भी तरह अपनी चीजों को और अपने हक को वापस लेकर ही रहेंगे। ऐसे में अनुज अपने हक को वापस लेने के लिए क्या करने वाला है और अंकुश खुद को बचाने के लिए क्या करेगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिए। सीरियल में अनुपमा और अनुज पर मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप सीरियल में देख ही रहे होंगे कि कैसे अंकुश ने अनुज का हक छीन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का आशा भवन भी उसे छीनने जा रहा है। आप सभी ने देख ही लिया होगा कि कैसे बिल्डर आशा भवन को तोड़ने के उद्देश्य से आते हैं और अब आशा भवन को बचाने के लिए और अनुपमा और छोटी अनु के लिए अनुज को किसी भी तरह अपना बिजनेस एम्पायर वापस लेना होगा। ऐसे में सीरियल की कहानी में आगे अनुज अपनी चीजों को वापस लेने के लिए अदालत की मदद लेता दिखने वाला है। वहीं अगर हम अंकुश की बात करें तो अनुज के आ जाने के बाद अंकुश को कोई भी तवज्जो नहीं मिलेगा, साथ ही अंकुश से सब कुछ छीनता नजर आएगा। रिपोर्ट में तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अंकुश से उसकी बरखा भी छीन जाएगी। आप अनुपमा को कपाड़े हाउस में देखना चाहते हैं आशा भवन में? कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।